यह दूध तलाई के करीब मनसापूर्ण करणी माता का रोपवे का नज़ारा है। हम प्रारंभ कर रहे हैं जर्नी रोपवे के माध्यम से और हम जाएंगे मनसापूर्ण करणी माता के मंदिर में और उधर ही पीर बाबू जी का भी स्थान है। ये 3D आर्ट गैलरी है, फोटो गैलरी है, मेरे यहाँ पे क्या कर रहा है, फोटो ले सकते हैं, रियलिस्टिक लग रहा है, फैमिली ले रहा है, कस्टमर ले रहा है। इसमें रियलिस्टिक फोटो आते हैं, आप देखेंगे ये जो है रियलिस्टिक फोटो आते हैं और ये रियलिस्टिक फोटो आप देखेंगे। आज हम मनसापूर्ण करणी माता का रोपवे देखने को जा रहे हैं। ये रोपवे की ट्रोलियाँ जा रही है, ट्रोलियों का बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है, एक पर्सन से जो है 117 रुपये मात्र है, जिनको जिसपे जो है आप जाकर के वापस आते हैं। रोपवे में जाने के लिए टिकट लेकर के नीचे उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना पड़ता है, वहाँ पे अच्छी सुविधा है, बैठने की जगह भी है और खाने पीने के लिए नाश्ते की जगह नाश्ता भी रखा गया है, अच्छा कंफर्टेबल वातावरण है और वहाँ पर बैठ करके कुछ देर इंतज़ार करनी पड़ती है ट्रॉली के आने के लिए। इससे पहले हमारे को हर एक व्यक्ति को टिकट दिया जाता है कि इस टिकट में कौन से नंबर पे आपको जाना है, उसी नंबर के अनुसार हमें जाना होता है। तो हम ट्रॉली में रोपवे के लिए ट्रॉली में बैठे ही हैं कि ये करीब 3-3.5 मिनट का रास्ता है और इसमें हमें एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाना है, अर्थात जो बीच की खाई है वहाँ पर बहुत ही अधिक ऑक्सीजन की मात्रा है और बहुत ही रिफ्रेशिंग वातावरण है, मतलब और साथ ही साथ हमारी जो ट्रॉली है वो बिल्कुल केबिन की तरह है, जिसमें जो कि प्लास्टिक की पारदर्शिता के कारण आपको चित्र नज़र आ रहे हैं और इसमें हमारे मतलब करीब 6 लोग एक ट्रॉली में बैठ के जाते हैं, परंतु मतलब वो आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि हमारे आसपास भी अच्छा माहौल है, जो साथी होते हैं वो भी एक दूसरे को सहयोग करते हैं और हमारे साथ एक नन्हा मेरा पोता है, वो भी बड़ा सुंदर दिखता है। यहाँ पे आप जब देखते हैं तो पिछोला दूध तलाई का दृश्य भी विहंगम दृश्य नज़र आता है और ये मतलब एक पहाड़ी पे जहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क बना हुआ है उसके सामने की ओर जाते हैं और दूसरी ओर जो है दूसरी पहाड़ी पर माता जी का मंदिर है। तो इन बिटवीन हम जो सारे पेड़ हैं नीचे के दृश्य हैं वो सारे देख को एंजॉय करते हुए आगे निकलेंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको ट्रॉली में बैठ करके भी। रोपवे में कोई डराई की बात नहीं है।
रोपवे से उतर रहे हैं और माछला मंगरा की ओर आ गए हैं, तो वहाँ पे हमें नज़र आएगा, मतलब यहाँ से हमें पूरे उदयपुर के दृश्य नज़र आते हैं, करीब आधा उदयपुर नज़र आता है, पिछोला और दूध तलाई दोनों ही बड़े सुंदर दृश्य नज़र आते हैं, वो पेड़ पौधे हरियाली सारी इतनी मनमोहक है कि हमें मतलब नयनों को मस्तिष्क को बहुत सुकून दे देती है, इसीलिए जो है यहाँ पर आने वाला व्यक्ति एक रिफ्रेशिंग अनुभव लेके जाता है, व्यक्ति अपने आप में तरोताजगी महसूस करता है और मतलब अपने आने को सार्थक करता है। ये नहीं है कि हमें लगा कि वेस्ट किया है, हमें जब यहाँ पे करणी माता पहुँचे हैं तो हमें बहुत ही आनंद आया है और आनंद की अनुभूति है। यहाँ पे मालिश करने वाला भी एक व्यक्ति बैठा है और साथ में कुछ फूल वाली भी बैठी हैं, और आपको अगर नज़र आएगा कि यहाँ पर कुछ नाश्ते वाले और सजावट के सामान वाले भी हैं। अब हम मंदिर की ओर पहुंच गए हैं। मंदिर में आप चारों ओर देखेंगे, विशाल मंदिर है और एक आध्यात्मिक माहौल है जहाँ पर कि व्यक्ति को सुकून मिलता है और शांति मिलती है, व्यक्ति ये अनुभव करता है कि हम कहीं आध्यात्मिक प्लेस जगह पर आए हैं। और वहाँ पर वैसे चिकन माता जी का फ़ोटो नहीं लिया जा लेने नहीं दिया जाता है, परंतु पंडित जी की विशेष स्वीकृति से आपको करणी माता के दर्शन भी होंगे। ये करणी माता का मंदिर है, यहाँ पर पुजारी जी का प्रदीप जी कुमावत है। ये मंदिर महाराजा करण सिंह जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, सन 1620 में इस मंदिर का निर्माण कराया था और ये माता पार्वती जी का अवतार है, ये सबकी मनोकामना पूरी करती है, मनसा पूर्ण करणी माता, इसलिए इसका नाम लिखा है। और करणी नाम यानी सब अपने अपने कर्मों को फल देती है, करणी माता श्री माता पार्वती ये चौक वाली माता कहलाती है। इनका मेन मंदिर बीकानेर देशनोक में, वहाँ से महाराजा करण सिंह जी यहाँ पर जोत लाए थे, लगभग 500 साल होना है इस मंदिर को। यहाँ पर आप शिव जी का स्थान भी देखेंगे, यहाँ पे ये करीब 400 वर्ष पुराना मंदिर है, मतलब 1619-20 में बना हुआ है। इस मंदिर में अभी भी कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य, और यहाँ पर आप आकर के एक अच्छी तरह मतलब एक शांति, विशेष शांति का अनुभव करेंगे। और इससे आपको एक और चीज़ नज़र आएगी, यहाँ पे चारों ओर दृश्य नज़र आता है सुंदर सुंदर, और मन में एक स्फूर्ति जगती है और जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण मिलते हुए हमें लगता है कि हाँ, हमें कुछ करना चाहिए अध्यात्म की दिशा में भी। रोपवे से उतरते ही यहाँ पर गेम्स हैं, आप वहाँ पे खाने का और नाश्ते का चीज़ें ले सकते हैं, और वर्चुअल रियलिटी गेम है जहाँ पे आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, और ताकि वेटिंग टाइम भी कम हो जाए। ये आप रोपवे का देख रहे हैं, यहाँ पर आते समय भी आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा और जाते समय भी एक घंटा अलग रखना पड़ेगा, अर्थात अगर आप जाने के लिए पहले ही टोकन ले लें घंटे भर पहले
तो आप रोपवे को ढंग से एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि ये इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि ये रोपवे पर व्यक्ति को रोकते हैं, क्योंकि इनका रेस्टोरेंट भी चलता है और वीडियो गेम पार्लर भी है। रोपवे पे टिकट चेक करने के लिए टिकट की एंट्री करते हैं, और आप जालौर से हैं, यहाँ पे नौकरी करते हैं, और कितने समय से? साल भर हो गया है। बहुत बढ़िया। आपको ये करणी माता के मंदिर की सैर जो अच्छी लगी हो और रोपवे के माध्यम से गए हों, तो आप ज़रूर से इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नई नई जानकारियाँ उदयपुर के बारे में मिल सके। धन्यवाद।